जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पीर मिठा के एक घर में इस समय रेड की है और बड़ी मात्रा में जो है वो देखिए बैंड आइटम्स जो है वो रिकवर हुई है। मुख्यतः इसमें जो है वो पॉलिथीन है और अगर आप इस समय देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर इस पॉलिथीन की जो टीम है वो इंस्पेक्शन यहाँ पर करती हुई और बड़ी क्वांटिटी में यानी कि करीब 50 किलो से ऊपर का जो बैंड पॉलिथीन है वो यहाँ पर रिकवर हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पॉलिथीन को जो है जिस कंपनी ने बनाया है उसने बकायदा इसका बिल भी जो है वो इसके परचेजर को दिया है और साथ ही साथ जो पॉलिथीन है उस पर जो है वो स्टैंपिंग भी की हुई है यानी कि इसे पूरी तरह से लीगल बताने की जो कोशिश है वो की गई है उस कंपनी के द्वारा जिसने कि इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम को जो है वो ये टिप मिली थी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से पॉलिथीन को जो है वो यहाँ पर स्टोर किया गया है। देखिए बड़ी क्वांटिटी है इस पूरे बैंड पॉलिथीन की जो कि यहाँ पर सीज कर दिया गया है और बाकायदा जो है देखिए इस पर जो स्टैंपिंग है देखिए पूरी स्टैंपिंग इस पर की गई है और कंपनी ने ये देखिए पूरा एक सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है यानी कि कंपनी जो है वो बड़ी ही चलाकी के साथ जो है वो कस्टमर को भी चीट करती है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है वो इन्वायरमेंट यानी कि अपने पर्यावरण के साथ जो है वो छेड़खानी करती है। यहाँ पर देखिए टीम यहाँ पर लाइव पॉलिथीन का यहाँ पर टेस्ट करती हुई और जो ऑनर है इस पूरे स्टोर के उनका ये कहना है कि इनके पास जो है वो इसका बिल है जो कि इन्होंने वहां पर परचेज किया। देखिए वो बिल यहां पर टीम को दिखाते हुए इस समय कि उन्होंने लीगल तरीके से एक बिल पे करके जो है वो उन्होंने ये खरीदा जिसका जीएसटी भी बाकायदा जो है उन्होंने अदा किया है। लेकिन टीम का ये साफ कहना है कि यहाँ से ये जो सीजर्स किया गया है इसके बाद जो है वो किसी भी प्रकार से जो है इस पर जो है वो ढील नहीं बख्शने वाले हैं, डील नहीं करने वाले हैं। ये पूरा जो पॉलिथीन है जिसकी क्वांटिटी करीब 50 से 60 किलोग्राम है वो अब यहाँ से सीज किया जाएगा। पीर मिठा में ये इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बड़ी रेड हुई है और जानकारी मिली थी कि एक घर में जो है वो गोदाम बनाकर ये देखिए कोई माइक्रॉन्स को लेकर इशू है। ठीक है सर, सर ठीक है, जो आप कर रहे हैं ठीक है, हाँ जो कर रहे हैं, हाँ नहीं यही है, बिल्कुल सीधे दिखता कागज की तरह, यही माल पॉलिथीन का दिखता ही नहीं है। वो आप करो, चलिए यार रहने दे दूँ। अच्छा आप मुझे ये बताओ सर, ठीक है आपने ये कहाँ कहाँ दिया, तो कहाँ कहाँ पड़ा ये वाला माल? आप ऐसे करो, ये लड़के लेबर बुलाओ, एक बार मैं ये बिल यहाँ पर अपने कस्टमर्स को यहाँ पर सर एक मिनट ये मुझे बिल दिखाइए, ये देखिए ये बिल है इस फैक्ट्री का, ये देखिए। और इस फैक्ट्री पर भी जो है वो कार्रवाई जो है वो होना यहाँ पर लाजमी है ताकि ये फैक्ट्री जो है वो इस प्रकार हम इसकी फैक्ट्री को चेक भी करेंगे और इसको बुलाएंगे भी, और अगर ये फैक्ट्री में गलत माल बना रहा है तो इसको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि 75 माइक्रोन अगर आप खुद देखो कागज की तरह दिखता है, ये पूरा पॉलिथीन की तरह दिख रहा है, इसका मतलब जो फैक्ट्री में बन रहा है वो आदमी भी झूठ बोल रहा है। वो बिल्कुल वो हमारी जुडिशरी में नहीं है, लेकिन हम डीसी मैडम को साथ में देके उनके उनका भी पूरा जो है परमिशन लेके जाएंगे और वहां भी पूरा माल चेक करेंगे। अगर ये बिल जो है उन्होंने गलत दिया है इनको तो ये तो फंसेंगे, तो इन्होंने गलत माल क्यों लिया, उनको भी फैक्ट्री वालों को भी कितना पॉलिथीन आपको मिला है, ये कितना होगा, 100 केजी से ऊपर ही है मैम, टोटल मिला के 100 केजी से ऊपरी है, आप देखेंगे कितना है। बार बार शिकायतें आ रही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बना रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं और रेट्स आपकी जो है वो लास्ट उस व्यक्ति पर होती है जो स्टोर करता है। हाँ इन पर कब एक्शन करेंगे? नहीं नहीं पहली बार मुझे पहली जब से हम रेड कर रहे हैं पहली बार ये बिल मुझे दिखा है, अब मुझे ये देखना है कि बिल में जो लिखा हुआ है वो यही सप्लाई है,
क्योंकि जो स्टैंप है उसे क्लियर नहीं हो पा रहा। और जो नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट स्टैंप लग रही है, और जो पॉलीथीन है वो दिखने में 70 माइक्रोन बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी फैक्ट्री को पूरा चेक किया जाएगा और उसके माल को देखा जाएगा। बिल्कुल अगर फैक्ट्री में सिडको में ये माल हमें मिलता है तो ये फैक्ट्री भी सील होगी, फैक्ट्री भी बचेगी नहीं। चलो अगर ये इतने इनोसेंट है तो हम देखेंगे, लेकिन हम फैक्ट्री को पहले चेक जरूर करेंगे इनका माल, क्योंकि 70 माइक्रोन से नीचे है ये माल को हम बिल्कुल सीज कर रहे हैं। इसके बाद हम फैक्ट्री में भी चेक करेंगे, जो हमें झूठा दिखेगा उसी को सजा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये बिल एक बार आपको दोबारा से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो बिल की कॉपी है जम्मू प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और देखिए बकायदा पूरा एक बिल जो है वो इनको दिया गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि इनके साथ जो है जो मैन्युफैक्चरर है जो फर्म है उसने जो है वो यहाँ पर धोखा किया है और गलत ये देखिए जो पॉलिथीन है उसकी सप्लाई इन्हें दी है, जबकि इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर स्टैंप की जो है वो जांच इस समय करते हुए अधिकारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कि आखिर ये स्टैंप जो है ये कौन लगा रहा है, कैसे ये स्टैंपिंग जो है ये की जा रही है, जिसमें कि तमाम जो डिटेल्स हैं वो इसमें दी जा रही है। और देखिए ये स्टैंप जो है वो इस पर लगी हुई जी बिल्कुल बिना कोई साइज, अगर ये होता उन्होंने बिल्कुल लिखा था वो लेटर्स में कि इसका साइज जो है वो 70 माइक्रोन से नीचे है, ये जानबूझ के जो है वो नहीं लिखा गया, क्योंकि फैक्ट्री वाले रिफ्यूज कर देंगे वो हमारा है नहीं ये, तो फैक्ट्री में भी हम चेक करेंगे। बिल भी तो दिया, बिल दिया, लेकिन वो बिल कोरेक्ट करना चाहिए ना, ये माल हमें वहां मिलना चाहिए। अगर फैक्ट्री में माल अलग हुआ इसका मतलब इन्होंने अलग कहीं से लाया, इसलिए फैक्ट्री को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी के पास हमें बिल जो मिला है जिसकी फैक्ट्री जो है सिडको में है, तो इसी तरह चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे और पूरा देखेंगे उनका माल जो है कैसा है, अगर उनका माल इसी तरह का हुआ तो उनकी फैक्ट्री को भी सीज किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी कार्रवाई इस समय होती हुई इस घर से, जो कि घर आप इस समय देख रहे हैं यहाँ पर ये गोडाउन था जी। जी सर बताइए सर, सर प्लीज, जो आज लगातार इस प्रकार की रेड्स हो रही हैं, लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं इसके बावजूद? देखिए हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस की है, हेल्थ ऑफिसर ने पर्सनली सारा चेक किया है, सब देखा है, बिल्स वगैरह सब देखे हैं, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। जी सर, फैक्ट्रीज काम कर रही है, चाहे फैक्ट्री वाला है चाहे बेचने वाला है, दोनों को हम देखें, कल फैक्ट्री को चेक करेंगे, अगर लगता है कि बिल कोई और देता है, माल कोई और सप्लाई करता है, फैक्ट्री के खिलाफ ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसको भी पे नहीं करेंगे, वो भी देखेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारी टीम लगातार सुबह से निकलती है और पूरी दुकानों पे जाएगी और जहाँ पर मैंने माल दिया उससे चेक किया जाएगा। ये बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप फाइनली जो है वो इससे सीज यहाँ पर किया जा रहा है, पूरा जो सामान है जो यानी कि जो पूरा पॉलिथीन है ये, इसे टीम यहाँ पर आप सीज करती हुई और इसे अब यहाँ से जो है वो उठा लिया जाएगा और एक्शन जो है वो जाहिर सी बात है पेनल्टी जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से जो है वो बैंड पॉलिथीन को जो है वो यहाँ पर स्टोर किया गया था। हालांकि बिल जो है वो जरूर जो इस गोडाउन के ऑनर हैं उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने ये बिल पर माल खरीदा, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें जो है कुछ उन्हें जो गड़बड़ जाला है वो जरूर दिख रहा है, क्योंकि बिल जो है उस पर जो डिटेल्स हैं जो पॉलिथीन पर स्टैम्प्स हैं वो उससे मैच नहीं करती हैं, और ऐसे में ये बहुत प्रबल संभावना है कि इस पूरे मामले में जो मैन्युफैक्चरर है वो शायद कोई और है, बिल जो है वो किसी और नाम से दिया जा रहा है और पॉलिथीन का जो सप्लायर है वो कोई और है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें एक आम आदमी जो है वो लगातार पिस रहा है, क्योंकि आम आदमी को ये मालूम नहीं होता है कि उसे किस प्रकार से जो है वो झांसे में लाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है और फिर अंत में उसके घर इस प्रकार की दबिश होती है और तब उसे मालूम चलता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिलहाल इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में ये जो मैन्युफैक्चरर है ये जो फैक्ट्री है इस पर भी कार्रवाई करेंगे, एक लेटर लिखेंगे कि इस फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जाए, रेड की जाए और वहां पर ये जांच की जाए कि वहां पर इस प्रकार का जो बैंड पॉलिथीन है क्या वो बन रहा है, क्या वो सप्लाई दे रहा है। तो ये अब सब चीजें जांच का विषय है, ये अब कानूनी चीजें हैं, लेकिन आपसे हमारी यही इल्तिजा है कि जब भी आप पॉलिथीन खरीदें तो जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब में खरीदें, अन्यथा आपके यहाँ पर भी इस प्रकार की रेड हो सकती है और फिर आप पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप देखते रहे जम्मू न्यूज़, नमस्कार।